Good evening to all my friends, members, colleagues in the Tipra Motha. सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ और आज का जो मेरा फर्स्ट एड्रेस है ये बहुत इम्पोर्टेंट मैं मैसेज भेजना चाह रहा हूँ, सिर्फ अपने लीडर्स को नहीं लेकिन हमारे सब तिपरा मोथा के जो वॉरियर्स हैं, जो सैक्राक है, जो बुरुई बदल का मेंबर्स हैं, जो YTF के मेंबर्स हैं और हमारे सब तिपरा साहब, मैं आज एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। कल हमारा फर्स्ट फाउंडेशन एक पॉलिटिकल पार्टी बना। सच में ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये एक मूवमेंट बना, एक पॉलिटिकल मूवमेंट बना, क्योंकि मैंने अपने ज़िंदगी में देखा कि अगर तिपरा साहब को कुछ करना है, अगर इंडिजिनस को कुछ करना है, बुकुमबारा को कुछ करना है, तो हम लोग किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते थे। हमें अपना भविष्य अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ना था। आज से एक साल पहले जब तिपरा मोथा बना, सब लोग बोलते थे कि ये बहुत छोटा पार्टी है, किसी ने हमको कुछ चांस नहीं दिया, सब ने बोला कि ये एक दो सीट से ज़्यादा कुछ नहीं जीत सकते, किसी ने हमें पूरे इंडिया में अपने तिपरा सा लोगों ने, बहुत लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास नहीं किया। लेकिन आपने सब देखा है कि आपका प्यार, आपका सपोर्ट से तिपरा मोथा EDC इलेक्शन में जीता और जो लोग अपने आप को इंडिया का सबसे बड़ा पार्टी बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं कि हम 40 साल से त्रिपुरा में राज कर रहे थे, उनको हरा कर एक पार्टी जिसमें 80% लोग यूथ थे, वो इलेक्शन जीत कर आया। ये आज से एक साल पहले तिपरा मोथा का जब संगठन बना, तो उस समय मैंने नहीं सोचा था कि हम लोग कहाँ से कहाँ जाएंगे। सिर्फ दिल में एक जज्बा था, यू नो, आई वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर माई पीपल। जब NRC हुआ, जब CA हुआ, जब NRC में मुझे फोर्स किया गया रिजाइन करने के लिए, जब CA में कांग्रेस पार्टी ने बोला आप प्रोटेस्ट मत करो, तो उस दिन मुझे बहुत खराब लगा। सब लोग बोलते हैं कि यूपी में इस बार योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं कि 80% 20% कितना खराब है। जिस दिन मुझे दिल्ली में 30% बोला गया था, आप समझ सकते हैं कि मुझे कितना खराब लगा होगा उस दिन, जब सब लोग दिल्ली में बैठकर उन्होंने मेरा जात बताया था मुझे। आज तिपरा मोथा किसी का बी टीम नहीं है, हम लोग अपने, हम लोग आज EDC में है। एक साल खत्म हो रहा है और आज मेरा एड्रेस जो है अपने तिपरा सा लीडर्स, हमारे कोलीग्स और हमारे वर्कर्स के लिए है। मैं सबसे पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि क्योंकि ये फर्स्ट एनिवर्सरी है, मैंने अपने, ये EDC का गवर्नमेंट का रुपया नहीं है, मेरा खुद का पैसा है, मैं अपने तरफ से EDC को कुछ नहीं छोड़कर अपने जो विलेज काउंसिल्स हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़ हैं, अपने ब्लॉक कमिटीज़ हैं, मैंने तिपरा मोथा पार्टी को अपने तरफ से 11 लाख रुपया डोनेशन करने का तय किया है। ये 11 लाख रुपया हर डिस्ट्रिक्ट में बांट के जाएगा और डिस्ट्रिक्ट कमेटी वहाँ से ब्लॉक में और ब्लॉक अपने विलेज काउंसिल को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मैं तिपरा मोथा को बोलना चाह रहा हूँ, हमारे वर्कर्स को, कि ये जो रुपया मैं आपको डोनेट कर रहा हूँ, इसमें मैंने पिछले थोड़े दिन में देखा है कि बहुत लोग
ONGC हो या कोई माइनिंग कंपनी हो, इसके नाम में एलिगेशन आ रहा है कि हम लोग उनसे रुपए लेकर तब ब्रिजर्स के खिलाफ जा रहे हैं। आपका काम ये पैसा लेकर गांव गांव में जाना है और गांव वालों को हेल्प करना है। आपका काम ONGC या कोई भी कंपनी के काम करने के लिए नहीं है। मैं अपने लीडर को सबको बोलना चाहता हूँ, आपको टिपरा मथा को टिपरा शाह ने वोट किया है टिपरा शाह दोफा के लिए काम करने के लिए, ना कि कोई कंपनी के लिए काम करने के लिए। एज अ चेयरमैन ऑफ टिपरा मथा मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ कि आप काम सिर्फ दोफा के लिए करेंगे, ना कि कोई कंपनी के लिए। अगर कंपनी के लिए काम करना है तो आप टिपरा मोथा को छोड़कर जाकर डायरेक्टली कंपनी के लिए काम कीजिए। टिपरा मोथा में आपके लिए वो पोस्ट और जगह नहीं रहेगा। दूसरा बात है, ये जो 11 लाख रुपए मैं डोनेट कर रहा हूं अपने पार्टी को, ये रुपया लीडर के लिए नहीं है, ये रुपया MDC और EMs के लिए नहीं है, ये रुपया डायरेक्टली हर विलेज काउंसिल में पहुंचना चाहिए। और इसके लिए मैं ये पैसा इस तरीके से बांटूंगा कि इस महीने के अंत तक हर विलेज काउंसिल में मेरा पैसा जाना चाहिए। ये पैसा आपका पार्टी के लिए नहीं है। अगर आपके कामी में कोई मरा है तो उनके परिवार को मदद करो। अगर कोई को विधि चाहिए, बीमार है, दवाई चाहिए, तो उस पैसे से मदद करो। अगर किसी का घर टूटा है तो सब मिलकर उस पैसे से उस घर का हेल्प करो। ये पार्टी अपना दोहा के लिए है, ये पार्टी आपको मस्तानी करने के लिए नहीं और मजा करने के लिए नहीं। ये पैसा जो मैं दूर दे रहा हूँ, इक्वल पार्ट में TWF टिपरा वेमेन्स फेडरेशन, क्योंकि बुरुई को पीछे रखकर हमें कभी कुछ नहीं मिलेगा, बुरुई को इक्वल मिलेगा, यूथ टिपरा फेडरेशन को इक्वल मिलेगा और पेरेंट बॉडी टिपरा मोथा को इक्वल मिलेगा। किसी को कम नहीं, किसी को ज्यादा नहीं मिलेगा, सबको एक अमाउंट में 11 लाख में आप लोगों को बांट बांट कर ये रुपया दिया जाएगा। ये मेरा क्लियर इंस्ट्रक्शन है। आज थोड़े दिन के बाद हम लोगों को एक होकर काम करना है और एक होकर काम करने के लिए थानसा का दरकार है। थानसा रहा, इसके लिए हमारे रियांग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को आज चुपड़ा में एक गवर्नमेंट के थ्रू, ऑर्डर के थ्रू हमें एक सेटलमेंट का प्रोसेस मिल रहा है। मैं अपने रियांग के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को बोलना चाहता हूं, आप चिंता मत करो। कोई भी प्रेशर हमारे ऊपर डाल दे, कोई भी हमें कुछ भी बोले, रियांग को सम्मान होकर एक जगह में रहना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि रियांग शांति से, हमारा जो ब्रू शरणार्थी है, शांति से जहां भी सेटल हो उनका अच्छे तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके लिए मैं रियांग के लीडर्स को बोलना चाहता हूं, आप लोग भी एक दूसरे से मत लड़िए, क्योंकि आप लोग एक दूसरे से लड़ते हैं तो आपको डिवाइड करने के लिए बहुत आसान पड़ता है। मैं आपको अपील करता हूं, हमारे रियांग के पूरे ब्रू के पूरे लीडरशिप को, इस इशू में कोई BJP नहीं है, इस इशू में कोई टिपरा मोथा नहीं है, इस इशू में कोई CPM नहीं है, इस इशू में आप लोग फर्स्ट रियांग बनकर अपना बात को सामने रखिए। मैं चाहता हूं कि आप शांति से इसी साल सेटल हो जाए और अगले साल के 2023 इलेक्शन में आप भी पूरे त्रिपुरा वासी के संग वोट करें, क्योंकि आपका आवाज को असेंबली पहुंचना चाहिए। ये मेरा अनुदय है। आई एम रिक्वेस्टिंग द रियांग लीडरशिप टू कंसिडर दिस। मेरा दूसरा बात है कि थानसा का क्या मतलब है? थानसा का ये मतलब है कि हम एक हो। इतिहास गवाह है, हिस्ट्री इज टेस्टिमनी, कि जब हम लोग एक हैं तो हमें कुछ मिला है। जब हम लोग अलग अलग होकर हमने फाइट किया है तो टिपरा साहब को कुछ नहीं मिला है। इसके लिए मैं आपको हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं, बुबागरा के बारे मत सोचिए, अपना नेक्स्ट जनरेशन के बारे सोचिए। थिंक अबाउट योर नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन इस
the most important thing for antidepressants. Think about the tipraja, think about the sekla, sikli. हमारा नेक्स्ट जनरेशन के बारे सोचिए. अगर आप लोग सिर्फ 12 महीना एक हो सके तो मैं दिल्ली जाऊंगा. दिल्ली जाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या कोई भी हो उनसे निगोशिएट करूंगा, क्योंकि अगर आप लोग एक रहे तो मुझे शक्ति मिलता है. आप लोग अगर अलग अलग होकर फाइट करेंगे एक दूसरे से, कॉन्ट्रैक्ट के लिए फाइट करेंगे, पोस्ट के लिए फाइट करेंगे, पैसे के लिए फाइट करेंगे, तो जो 70 साल से हो रहा है वो चलते रहेगा. बुबागरा आपको आपके लिए फाइट कर रहा है, अपने लिए फाइट नहीं कर रहा है. अगर मुझे कुछ चाहिए था तो मैं गवर्नमेंट से कोई भी टाइम जाकर अपना घर, पैसा, जमीन वापस ले सकता था. लेकिन आज मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे राज्यसभा में पद दो. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा नील महल मुझे वापस कर दो. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये जमीन दे दो, वो पैसा दे दो. मैं बोल रहा हूँ कि तिपरा साहब को कुछ दो. मेरा जो डिमांड है ग्रेटर तिपरा लैंड का, वो मेरे लिए नहीं है, वो आपके लिए है. और मैं तभी स्ट्रांग होऊंगा जब आप लोग एक होंगे. इसके लिए मैं अपील करता हूँ कि कोई जमातिया नहीं, कोई देवबर्मा नहीं, कोई त्रिपुरा नहीं, कोई रियांग नहीं, कोई कलोई नहीं, कोई रूपिनी नहीं, कोई चाकमा नहीं, कोई मॉग नहीं, कोई गारो नहीं, कोई रंगखोल नहीं. 19 का 19 ट्राइब आप लोग एक होइए. आप लोग एक होंगे तो दिल्ली भी हमें नोटिस करेगा. अगर हम लोग एक नहीं हुए तो दिल्ली को भी लगेगा कि इनको आसानी से बांटा जा सकता है. मैं जब थानसा बोलता हूँ, मैं थानसा पॉलिटिक्स के लिए नहीं बोलता हूँ, मैं थानसा इसके लिए बोलता हूँ क्योंकि अगर 12 महीना आप लोग एक रहे तो हमारा दफा को कुछ मिल सकता है. अगर इस बार हम लोग एक नहीं हुए तो 2025-26 में फिर से डिलिमिटेशन होगा. उस समय बुबागरा भी नहीं रहेगा और तिपरासा भी नहीं रहेगा. तो मैं आपको अपील करता हूँ कि इस फाउंडेशन डे में, कल फाउंडेशन डे, अगर कोई देवबर्मा जमाते का घर में जाकर चाय पी सकता है, अगर कोई रियांग चौराहे के घर में जाकर उनके संग बैठकर बात कर सकता है, अगर कोई कलोई काइपेंग एक दूसरे के संग बैठकर एक गांव में हंसी मजाक कर सकता है, तो थानसा बढ़ेगा. मैं चाहता हूं कि हम लोग एक तिपरासा दूसरे तिपरासा को प्यार करें. अगर हमने एक दूसरे को प्यार किया तो हम लोग का कुछ हो सकता है. ये मेरा अपील है ऑन द फाउंडेशन डे. फाइनल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज मैंने फिर से गवर्नर को चिट्ठी भेजा है, जो मैं इसके बाद अपलोड भी कर दूंगा, विलेज काउंसिल इलेक्शन होने के लिए. हम चाहते हैं कि विलेज काउंसिल इलेक्शन हो, और मैंने गवर्नर को चिट्ठी लिख के बोला है कि अगर उत्तर प्रदेश, जो दुनिया का इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, वहां में इलेक्शन हो सकता है, अगर पंजाब में हो सकता है, अगर अगरतला में इलेक्शन हो सकता है म्यूनिसिपल का, तो हमारे विलेज काउंसिल इलेक्शन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा अधिकार है, उसमें इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है. हम गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा को और गवर्नर को हमने कहा है कि आप ये इलेक्शन जल्द से जल्द करो, क्योंकि अगर ये इलेक्शन नहीं हुआ तो पैसा हमारे गांव में नहीं आएगा, और अगर पैसा हमारे गांव में नहीं आया तो तिपरासा जो पहले से गरीब है, जो पहले से भूखा है, अनएम्प्लॉयड है, उनका क्या होगा. प्लीज, आपको तिपरा मोथा को हराना है, उसके लिए आप तिपरासा को आप दंड नहीं दे सकते. इसके लिए मैंने अपील किया है कि गवर्नर को, आप तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रतिनिधि है, आप तो कोई पार्टी का गवर्नर नहीं. मैं अपील करता हूं गवर्नर को कि पहले अपना राज्य के बारे, वहां के इंडिया के, हम भी तिपरासा लोग भी इंडिया के नागरिक हैं, हम भी सिटीजन हैं इस देश के, हमारे बारे सोचिए, और ये विलेज काउंसिल इलेक्शन आप जल्द से जल्द कीजिए. अगर आपने ये इलेक्शन जल्द से जल्द नहीं किया तो हम लोग कंपेल होंगे स्टेट वाइज एजुकेशन शुरू करने के लिए, और उसका प्रिपरेशन भी हमने तैयार कर लिया है. मैं चाहता हूं कि हमारे विलेज काउंसिल में इलेक्शन हो, और मैं चाहता हूं कि आप लोग एक होकर एक आवाज में एक डिमांड करो. हमारा डिमांड ग्रेटर तिपरा लैंड है. बहुत लोगों ने सोशल मीडिया में, बहुत लोगों ने मुझे सोशल मीडिया में अटैक किया है. बहुत लीडर है जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, उन्होंने मुझे अटैक किया है. बहुत लोगों ने बोला है कि ग्रेटर तिपरा लैंड हिंदुस्तान के खिलाफ है,
एंटी नेशनल है, देशद्रोही। जब छत्तीसगढ़ ने के ट्राइबल ने जब छत्तीसगढ़ का डिमांड किया था मध्य प्रदेश से, तो किसी ने छत्तीसगढ़ के आदिवासी को नहीं बोला था कि वो एंटी नेशनल है। जब झारखंड में से लोग ने बिहार से झारखंड का डिमांड किया, तो किसी ने नहीं बोला कि झारखंड के जो जनजाति है उनको देशद्रोही बोला जाएगा। लेकिन जब तिपरासा डिमांड करता है अपना संवैधानिक अधिकार के लिए, तो सब लोग अगरतला में मीडिया लोग जो बैठे हुए हैं, जो अपने आप को हमसे ज्यादा समझदार समझते हैं, वो हमको एंटी नेशनल बोलते हैं, देशद्रोही मानते हैं। हमारा जो डिमांड ग्रेटर तिपरा का है वो देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं है। उत्तराखंड कैसा बना, झारखंड कैसा बना, तेलंगाना कैसा बना, राज्य मिला, तो कोई ने नहीं बोला कि ये एंटी नेशनल है। लेकिन जब तिपरासा डिमांड करता है तो ये लोग बोलते हैं कि ये एंटी नेशनल है। बहुत काउंसलर है, बहुत लीडर्स है बीजेपी से, सीपीएम से, जो बोलता है कि तिपरा लैंड जुमला है। अगर आपको लगता है कि तिपरा लैंड जुमला है, तो आप एक बार बोल दीजिए कि बंगोस्तान भी जुमला है, लेकिन आपके पास वो हिम्मत नहीं है बोलने के लिए कि बंगोस्तान जुमला है। लेकिन अपने ही दोफा को सबके सामने बेइज्जत करके आपको क्या मिलता है? कोई बोलता है कि मैं जाकर बैंगलोर में कोयले के खान में काम करूंगा। आप बैंगलोर जाकर कंप्यूटर का काम कीजिए, कोयला का खान में आपको काम करना है तो वो लेबरर करता है। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारा तिपरासा को अब बाहर जाकर नौकरी ढूंढना पड़े। मैं चाहता हूं कि हमारा तिपरा लैंड में हमको खुद नौकरी मिले। हम चाहे कि हमारा ग्रेटर तिपरा लैंड में हमारा खुद यूनिवर्सिटी हो, खुद का कॉलेज हो, खुद का प्रशासन हो, और आप चाहता है कि हम जैसा 70 साल से चल रहा था वैसे ही चलाते रहे। कितने बार अपने आप को बेचोगे आप? शर्म करो, हम लोग एक होकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ डिमांड कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर हमारा डिमांड गलत लगता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अलग प्रस्ताव दे। लेकिन हम लोग अपने आप को हल्का क्यों करते हैं? मुझे बहुत दुख लगता है। हमारा कल फाउंडेशन डे है, आपका कल फाउंडेशन डे में एक ही मैसेज मेरा जाएगा, आईपीएफटी से कोई हो प्यार से बात करो, उनको समझाकर तिपरा मोथा मिलाओ। टीपीएफ से हो प्यार से बात करो, उनको समझाओ बुबागरा एनआरसी के खिलाफ नहीं है। बुबागरा भी एनआरसी का केस फाइल कर रहा है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। अगर आपने बीजेपी जनजाति से बात किया, उनसे भी प्यार से बात करो, बोलो कि हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ तिपरासा के पक्ष में बात कर रहे हैं। यही मेरा मैसेज है। आई लव ऑल ऑफ यू। मेरे बुरे बदल को मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ। मेरा यूथ को मैं बोलता हूँ कि मुझे शक्ति दो, क्योंकि आपका शक्ति से ही बुबागरा आगे बढ़ेगा। और तिपरा मोथा के सीनियर्स को मैं बोलना चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपका गाइडेंस भी मुझे चाहिए। और पूरे तिपरा मोथा को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये बुबागरा चेयरमैन तिपरा मोथा का फाइनल मैसेज है कि अगर आप मुझे प्यार करते हो, अगर मेरे ऊपर भरोसा करते हो, तो एक होकर एक आवाज में एक बार वन लास्ट फाइट हम लोग करेंगे। अगर जीतेंगे तो पूरा दुनिया याद करेगा, अगर हारेंगे तो मैं बोल सकता हूं कि बुबागरा ने फाइट किया तिपरासा के लिए और फाइट करते करते मर गया, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये मेरा कमिटमेंट आपको है। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल। बेलाई बेलाई नो हम बाय। धन्यवाद। खुलमका। जय तिपरा। जय तिपरासा। तिपरासा आई।